आप लोग देखते रहते हैं, कई आपदाएं भी आती रहती हैं देश दुनिया में। तो ये आपका समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक का जो हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे हैं, तो इसमें अंतिम टॉपिक है। जैसा कि आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी देख लाया, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण भी देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव एवं सत्ता परिवर्तन देखा है। अब बात करनी है 2019 में जो अभी आपकी राष्ट्रीय आपदाएं आई हुई हैं या अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, उनको भी देख लेते हैं। इसके साथ आपका राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म हो जाएगा, विदेश परिदृश्य भी खत्म हो गया और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित आपकी जितनी भी क्लासें ली गई हैं अभी तक, वो समसामयिक की घटनाचक्र वार्षिकांक के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है, वो सभी में डली हुई, क्रम से डली हुई है आपकी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और लास्ट में क्या करूंगा कि पूरा एक मर्ज कर दूंगा सभी क्लासों को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, उष्ण कटिबंधीय महाचक्रवात अम्फान, भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अम्फान उम्पुन के रूप में उच्चारित महाचक्रवात के प्रमुख रूप से पूर्वी भारत, विशेषकर आप देखेंगे रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रभावित रहे हैं इससे। तो याद रखना, अम्फान जो उष्णकटिबंधीय महाचक्रवात आया था, तो इससे कौन प्रभावित रहे हैं? भारत का पूर्वी हिस्सा, विशेषता आप देखेंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से प्रभावित रहे हैं। एक कब आया, कब हुआ? 20 मई 2020 को यह महाचक्रवात दीघा पश्चिम बंगाल के निकट तट से टकराया था। तो याद रखिए, दीघा उड़ीसा में वर्ष 1999 में आए महाचक्रवात के बाद यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित पहला महाचक्रवात, इससे पहले 1999 में। इस महाचक्रवात की उत्पत्ति 13 मई 2020 को अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित निम्न दाब के क्षेत्र में हुई थी। 18 मई 2020 को यह महाचक्रवात के रूप में परिवर्तित हो गया था और इसकी अधिकतम वायु गति 220 से 330 दर्ज की गई है। समझ रहे हैं? किलोमीटर पर हवर में, मतलब प्रति घंटा 220 से 230। ठीक है, अम्फान का नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया और अम्फान नाम की घोषणा 2004 में ही कर दी गई थी। यानी कि पहले से कई मिलकर देश इसका एक तरह से एक सभी अपने अपने नाम सुझा देते हैं, बाद में जिसका नाम होता है उस हिसाब से चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है इस तरह से, अम्फान जो नया चक्रवात आया हुआ था, इसका नामकरण किसने दिया था, किस देश के सुझाव पर रखा गया? तो थाईलैंड के। ठीक है, इसे याद रखिए अच्छे से। फिर आपने देखा है कि निसर्ग चक्रवात 1 जून से 2020 के मध्य भारत का महाराष्ट्र राज्य अरब सागर के ऊपर निर्मित प्रचंड चक्रवात तूफान निसर्ग से प्रभावित रहा है। निसर्ग, ठीक है, याद रखिए, ये अरब सागर में। इस चक्रवात की उत्पत्ति 31 मई 2020 को दक्षिण पूर्व एवं पूर्व मध्य अरब सागर तथा लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर निर्मित निम्न दाब क्षेत्र से हुई थी। तत्पश्चात यह पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर गहन अवदाब और उसके बाद 2 जून को चक्रवाती तूफान के रूप में रूपांतरित हो गया। इसकी गति की बात करूं तो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर वायु गति के साथ इसने प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में महाराष्ट्र तट को पार किया। आप लोगों ने देखना होगा कि महाराष्ट्र में मुंबई में इस तरह की समस्या नहीं सुन रहे थे, वही। इससे पूर्व 11 नवंबर 2009 को फ्यान नामक चक्रवात ने महाराष्ट्र तट को पार किया था। ठीक है, फिर आपने देखा है कि हरिकेन डोरियन सितंबर 2019 में बहामास में हरिकेन डोरियन का कह रहा है। यह बहामास से टकराने वाले सबसे तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह देश के इतिहास में सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा भी थी। इस हरिकेन ने बहामास में तबाही मचाने के पश्चात अमेरिका के उत्तर की ओर बढ़कर कनाडा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी की थी। तो साफिर सिम्पसन स्केल पर सैंडी के पांच के प्रमुख हरिकेन के रूप में वर्गीकृत भी किया गया। यही आप देख रहे हैं कि 2020 में घटनाएं घटी हुई है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए। कुछ आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी यहाँ दे देते हैं क्वेश्चन, तो इन्हें भी याद रख सकते हैं। 24 से 25 फरवरी 2020 के मध्य के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा संपन्न की है। उनकी यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। इसे स्टेडियम को याद रखिए, मुझे लगता है क्वेश्चन से बन जाएगा कई एग्जामों में। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। अमेरिका भारतीय नौसेना और भारतीय सेना हेतु उपलब्ध कराएगा। क्रम से आप देखेंगे 24 MH-60R सी हॉक बहुद्देशीय हेलीकॉप्टर और 6 AH-64E अपाची
लड़ाकू हेलीकॉप्टर। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेल लिबेलो लिबो बेलो डी सुजा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य। 26 से 29 फरवरी 2020 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत ने। ठीक है, भारत के ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है पूछ लेगा। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए हुए ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति जियर बोल्सोनारो। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पूरा इतिहास कवर किया हुआ है कि 1947 से यानी जब से हम आजाद हुए अभी तक किन किन लोगों ने भाग लिया है, तो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 की बात अगर हम बात करें तो सतत विकास लक्ष्य और COVID-19 का थीम है। ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है 17 जून 2020 को, 8वीं बार है भारत। ठीक है, 21-22 के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कार्यकाल होगा 2 वर्षीय, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2020 तक। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 का शीर्षक क्या रहा है? जटिल विश्व में शांति का मापन। जटिल जटिल विश्व में शांति का मापन, ये वैश्विक शांति सूचकांक है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 139वां। वैश्विक शांति सूचकांक इंडेक्स जो 2020 का है, इसमें भारत किस नंबर पर रहा है? 139। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत जारी किया गया 4 जून 2020 को जारी किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 168वां। वैश्विक शांति सूचकांक में अगर आपसे पूछे तो 139, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अगर आपसे पूछे तो 168। ठीक है, अगर आपसे पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये संस्था है, इसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 5 टॉप देश कौन रहे? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड्स। भारत जापान के मध्य 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई 30 नवंबर 2019 को। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर कब रही? 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 के मध्य। 28 से 29 अक्टूबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर रहे हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के अंतर्गत रणनीतिक साझेदारी विकसित करने हेतु चयन किया है 8 देशों को। इनमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य पीएम मोदी समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया है थाईलैंड यात्रा के दौरान। 17 से 21 अक्टूबर 2019 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा संपन्न की है फिलीपींस की। अरब जगत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? वराक है, आप जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, उड़ीसा के 2 गांव जिन्हें अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी रेडी टैग दिया गया है, ये वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, इसके बारे में हम लोग पीछे विस्तार में पढ़ चुके हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 का केंद्रीय विषय क्या रहा है? बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना और SDG को प्राप्त करना, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। 22 मई 2020 को खुला आकाश संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आपको बताना है कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सर्च करिए और नीचे लिखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा हूँ, 6 जुलाई 2020 को। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान रहा 102वां। अगर मुझे लगता है कि आप लोगों ने पुरानी क्लास में इसी किताब की देखी है तो आप बताइए कि किन किन संगठनों से अमेरिका ने घोषणा कर दी है बाहर निकलने की, क्योंकि सबको बताया गया है इसमें। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 4 जून 2020 को। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय पक्षकारों के सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या रहा है? माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टूगेदर वी वेलकम देम होम। CMS COP 13 का आयोजन 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में, हमारे ही देश में। C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य कहाँ किया गया? कॉपेनहेगन, डेनमार्क में। ठीक है, 25-26 अक्टूबर 2019 को आयोजित 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? समकालीन विश्व की चुनौतियों के अनुकूल और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बांडोंग सिद्धांत का समर्थन।
6 अगस्त 2020 को घोषित चुनाव परिणाम में श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका पोडु जना पैरमुना पार्टी इनकी पार्टी है, ठीक है। 10 जुलाई 2020 को सिंगापुर में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री चुना गए हैं ली सीएन लुंग को, लगातार 5वीं बार। 27 मार्च 2020 को नाटो का 30वां सदस्य बना है उत्तरी मैसेडोनिया। नाटो की स्थापना आप जानते हैं, पीछे पड़ चुके हैं, 1949 में हुई थी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में 19 के 25वें संस्करण को जारी किया है। ये जारी करता है हमेशा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 80वां, ठीक है। इसको रहा है 41। वैश्विक सूचकांक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन स्थान मिला है, 51वां। दिसंबर 2019 में भारतीय भेषज संहिता को मान्यता देने वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान। भारत के दो शहर जिन्हें 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है, ये आपकी मुंबई हैदराबाद को। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019 को जारी किया गया है, 9 अक्टूबर 2019 को, 9 अक्टूबर 2019 को। तो ये है आपका पूरा राष्ट्रीय माफ करिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो गया है। अगला टॉपिक है आपका आर्थिक परिदृश्य। इससे भी आपके क्वेश्चन आप देखते हैं कि हर साल पूछे जाते हैं, फिर चाहे आपका राजकोषीय घटना चक्र आर्थिक बजट हो, माफ करिए बजट हो, फिर चाहे आर्थिक समीक्षा हो, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी इसे भी खत्म कर दिया जाए, 1 से 2 क्लास में इसे भी कवर कर लें हम लोग, ठीक है।